हेलो साथियों, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क। और आपको सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। जी हाँ, मैं आज आपके लिए एक बहुत मैं आज आपके लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपने को किस बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी हाँ, आपने जीके जीएस तो अभी तक बहुत पढ़ा होगा एमपी का, लेकिन अब अपने को ज़रूरत है प्रैक्टिस की। किसकी? प्रैक्टिस की। जिससे क्या होगा कि यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे अपनी एमपी पुलिस हो गई, पीएससी हो गई, और जितनी भी अपनी अदर स्टे जितनी अपनी अदर एग्ज़ाम्स हैं व्यापम की, उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस बुक के बारे में आपको बता दूँ कि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, वह सारे के सारे इस बुक में दिए हुए हैं। और इस बुक की ख़ास बात यह है कि इस बुक में पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश के गठन के बारे में हम बात करेंगे, तो जितने भी उससे क्वेश्चंस बनते हैं वह सारे के सारे इस बुक में दिए हुए हैं। साथ ही साथ जो अपने पर्यटन हो गए, भाषा साहित्य हो गया, और जितना भी अपना पूरा एमपी जीके में है, वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अब आपको उस बुक का नाम बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, उस बुक का नाम है, यह बुक है मैग्रो हिल्स की। जी हाँ, मैग्रो हिल्स की बहुत ही अच्छी बुक है, मेरे पास भी है। जब मैंने इसके क्वेश्चंस देखे तो मुझे बहुत शानदार लगे। और इसमें जो प्रीवियस ईयर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि जो आपको कभी मालूम ही ना हो, तो आप अगर इस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि हाँ, कि आप भी बोलेंगे नहीं यार, इसमें क्वेश्चंस बहुत शानदार दिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस बुक को प्रीफर कर लीजिए। मैंने कुछ यहाँ पर स्क्रीन शॉट लिए हैं, जिससे आप इसे देख सकते हैं कि यह बुक कितनी हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।